शनि ग्रह का यह चंद्रमा टाइटन अंतरिक्ष से देखने पर काफी हद तक पृथ्वी जैसा ही दिखता है, जहां विशाल नदियां, झीलें, टीले और बारिश से भरे विशाल समुद्र पाए जाते हैं और साथ ही यहां पृथ्वी जैसा ही घना वातावरण भी पाया जाता है। लेकिन यहां पर जीवन कैसा होगा? क्या इस पर पहले कभी जीवन मौजूद था? साल 1980 में वॉयजर 1 सैटर्न यानी शनि ग्रह के करीब से गुजरा था। इसने हमें शनि ग्रह तथा इसके रिंग सिस्टम की तस्वीरें भेजी और इसी के साथ भेजी थी शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद की तस्वीर, जिसे टाइटन नाम से जाना जाता है। एक ऐसा चांद जिसके पास एक मोटा वायुमंडल था, एक ऐसा चांद जिसने एक ही बार में वैज्ञानिकों का दिल जीत लिया। और नासा ने ही ये तय किया कि हमें शनि ग्रह के उस चांद पर दोबारा जाना ही चाहिए, लेकिन ये कोई आसान मिशन नहीं था और इसलिए नासा ESI यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी तथा ASI यानी कि इटालियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर शनि ग्रह पर जाने के मिशन को तय किया। एक ऐसा मिशन जिसमें हम पहली बार शनि ग्रह को ऑर्बिट करने वाले थे, एक मिशन जो करीब 20 साल तक चलने वाला था। इस मिशन में हमने शनि ग्रह को काफी करीब से देखा था और इस मिशन की सबसे बड़ी बात ये थी कि हम पहली बार किसी अनजान ग्रह के चांद पर लैंड करने वाले थे। इससे पहले भी हमने किसी दूसरे ग्रहों पर लैंड किया था, इसलिए ये हमारे लिए इतना मुश्किल तो नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी कि हम किसी दूसरे ग्रह के चांद पर लैंड करने जा रहे थे। एक ऐसा अनजान उपग्रह जिसके अंदर कुछ भी हो सकता था, जो गहरे बादलों से ढका हुआ था। तो आखिर इस चांद के अंदर क्या था और ऐसी क्या बात थी जो इस चांद में धरती के बाद जीवन के होने की आशंका जताई जाती है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हमने अपनी पहले की वीडियो में कुछ ऐसे भयानक ग्रहों के बारे में जाना था जो हमारे सौर मंडल के बाहर पाए जाते हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन हम अपने ही सौर मंडल के कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में नहीं जानते हैं जिन पर जीवन पनपने की संभावनाएं पाई जाती हैं। टाइटन जो आकार में मरकरी यानी कि बुध ग्रह और प्लूटो से भी बड़ा है और धरती तथा वीनस के बाद यही हमारे सौर मंडल का एक ऐसा पिंड है जिसके पास ठोस सतह और एक मोटा वायुमंडल है, यानी ये शनि ग्रह के ऑर्बिट में ना होकर सीधे सूरज को चक्कर काटता है, तो ये एक ग्रह कहलाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक खास तरह का चांद है और इसलिए इसका एक खास नाम भी रखा गया है। जुपिटर के मून गैनेमीड के बाद टाइटन ही हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। टाइटन हमारी धरती के चांद के आकार से 50% ज्यादा बड़ा है, जिसकी चौड़ाई 5149 किलोमीटर है और यह हमारी धरती से 80% से भी ज्यादा है। टाइटन की तस्वीर मिलने के बाद से ही वैज्ञानिक वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और आखिरकार 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च किया गया कसिनी हाइगंस स्पेसक्राफ्ट। कसिनी हाइगंस का सफर बेहद लंबा था। इसने ब्रह्मांड में 7 सालों का सफर तय किया था और 1 जुलाई 2004 को शनि ग्रह के ऑर्बिट में सही सलामत पहुंच गया था। हालांकि शनि ग्रह पर इससे पहले भी 3 स्पेसक्राफ्ट भेजे जा चुके थे, जिनके नाम थे पाइनर 11, वॉयजर 1 और वॉयजर 2, जिन्होंने शनि ग्रह के बारे में कुछ जानकारियां जुटाई थी। लेकिन इन तीनों ही मिशन के दौरान तीनों स्पेसक्राफ्ट को शनि ग्रह से फ्लाई बाय किया गया था, क्योंकि इन्हें और भी आगे जाना था। लेकिन कसिनी एकमात्र ऐसा मिशन था जिसके जरिए हम पहली बार शनि ग्रह को ऑर्बिट करने वाले थे। कसिनी ने शनि ग्रह की जिन तस्वीरों को भेजा था उनमें काफी डिटेल फोटोज थी और काफी जानकारियां भी थी और वैज्ञानिकों ने पहली बार शनि ग्रह को इतनी बारीकी से देखा था। कसिनी इन 7 सालों के सफर में अपने साथ एक मुसाफिर को भी ले गया था जो शनि ग्रह के सबसे बड़े चांद यानी टाइटन पर लैंड करने वाला था और इस लैंडर को हाइगंस के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम एक डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगंस के नाम पर रखा गया था, जिसने साल 1655 में ही शनि ग्रह के इस चांद टाइटन की खोज की थी। लेकिन उस समय ये कोई भी नहीं जानता था कि टाइटन के पास भी हमारी धरती की तरह एक मोटा वायुमंडल पाया जाता है। दोस्तों, इस वायुमंडल को पहली बार वॉयजर मिशन के द्वारा ही सबसे करीब से देखा गया था, लेकिन वॉयजर स्पेसक्राफ्ट उसके वायुमंडल के अंदर नहीं देख पाया था और वो इस बात को जानने से चूक गया था कि आखिर उसकी सतह पर क्या पाया जाता है, और इसी रहस्य को जानने के लिए कसिनी हाइगंस को उसके पास भेजा गया था। दरअसल कसिनी स्पेसक्राफ्ट नासा के द्वारा बनाया गया एक रोबोटिक प्रोब था और उस पर लगा लैंडर ESI यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया गया था और साल 2004 के अंत तक कसिनी हाइगंस टाइटन के ऑर्बिट में पहुंच चुका था और 24 दिसंबर 2004 को हाइगंस लैंडर को कसिनी से डिटैच कर दिया गया था और उसके बाद हाइगंस अपने मिशन पर निकल चुका था। और दूसरी तरफ कसिनी ने भी उसके ऑर्बिट में पहुंचकर टाइटन की तस्वीरें भेजना शुरू कर दी थी, जिनमें हम केवल टाइटन के धुंधले वायुमंडल को ही देख पा रहे थे।
और जब कसीने में लगे इसके रडार कैमरा सिस्टम की मदद से हमने इसके निचले वायुमंडल को देखने की कोशिश की तो उसमें हल्के और गहरे रंग के धब्बे पाए गए थे जो दिखने में विशाल समुद्र और महाद्वीप की तरह लग रहे थे। लेकिन जब हाइगेंस प्रोब टाइटन के वायुमंडल में दाखिल होता है तो इसने अपने मिशन कंट्रोल सेंटर यानी कि ASI को लगातार इसने तस्वीरें भेजना शुरू कर दी थी। दोस्तों टाइटन के कम द्रव्यमान के कारण इसकी ग्रेविटी भी काफी कम है और इसी वजह से इसका वायुमंडल काफी ऊंचाई तक फैला हुआ है जो कि इसकी सतह से करीब 975 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। हाइगेंस टाइटन के वातावरण के अंदर करीब 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एंटर कर पाता है लेकिन इसका वातावरण इतना मोटा है कि करीब 500 किलोमीटर अंदर तक घुसने के बावजूद भी इसमें केवल और केवल धुंधला वायुमंडल ही देखने को मिलता है। इसके बाद हाइगेंस का पैराशूट खुलता है और इसकी रफ्तार और भी धीमी हो जाती है लेकिन इसके बाद जैसे जैसे ये नीचे की ओर जाने लगता है टाइटन की तस्वीरें और भी ज्यादा साफ होने लगती हैं, जिसमें हमें छोटे छोटे पर्वत दिखना शुरू हो जाते हैं और इसने कुछ ऐसी तस्वीरों को भी भेजा था जिनमें नदियों की तरह पैटर्न्स पाए गए थे जैसा कि हम अपनी धरती पर भी देख पाते हैं। लेकिन वैज्ञानिक इस बात से हैरान थे कि एक ऐसी जगह जो कि सूरज से करीब 1.4 अरब किलोमीटर की दूरी पर है और जहां का तापमान -179 डिग्री सेल्सियस हो वहाँ पर ऐसे समुद्र और नदियों का पाया जाना आखिर ये मुमकिन कैसे हो सकता है। इसके मोटे वायुमंडल में 98.4% नाइट्रोजन पाया जाता है, 1.4% मीथेन और बाकी की हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। इसका मतलब धरती के बाद टाइटन पर ही सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन अभी भी वैज्ञानिकों का यही सवाल था कि आखिर यहाँ पर नदियाँ और समुद्र कैसे पाए जा सकते हैं क्योंकि इतने तापमान में पानी कभी भी तरल रूप में नहीं पाया जा सकता। लेकिन इस सवाल का जवाब टाइटन के वायुमंडल में ही छुपा हुआ था क्योंकि टाइटन के वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद सबसे ज्यादा मीथेन पाई जाती है और मीथेन जैसे कंपाउंड ही इतने कम तापमान में तरल रूप में रह पाते हैं। यानी कि टाइटन पर मौजूद ये रहस्यमय नदियाँ पानी की नहीं बल्कि लिक्विड मीथेन से बनी है, जी हाँ तरल मीथेन की। लेकिन दोस्तों टाइटन ही एकमात्र ऐसी जगह है जो दिखने में बिल्कुल हमारी धरती की तरह ही लगती है जहाँ पर विशाल पहाड़ नदियाँ और समुद्र पाए जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये धरती से काफी अलग है, एक पूरी तरह अलग दुनिया जहाँ पर धरती की तरह ही पहाड़ नदियाँ और समुद्र पाए जाते हैं, धरती के जैसे ही रेगिस्तान और तालाब भी पाए जाते हैं। लेकिन टाइटन की ये रहस्यमय जमीन बर्फीले हाइड्रोकार्बन और पानी से बनी है, यहाँ तक कि टाइटन का ये रेगिस्तान पहाड़ और चट्टाने सबकी सब पूरी तरह से बर्फ से बनी है जहाँ पर कोई भी इंसान एक पल के लिए भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन जैसे ही हाइगन प्रोब 2005 में लैंड हुआ था इसने वहाँ की जमीन पर कुछ देर रुककर लगातार वहाँ की तस्वीरें भेजना शुरू कर दी थी। और आपको बता दें कि मंगल ग्रह के बाद टाइटन ही दूसरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई स्पेसक्राफ्ट लैंड हो पाया था और ये धरती से सबसे ज्यादा दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों का कोई प्रोब लैंड हुआ हो। दोस्तों टाइटन की भयानक दुनिया में भयानक बारिश भी होती है जो कि पानी की नहीं बल्कि मीथेन की होती है। ये एक ऐसी विचित्र दुनिया है जो कि धरती पर मौजूद ईंधन से बनी है क्योंकि हम मीथेन का इस्तेमाल अपने फ्यूल के लिए करते हैं। दोस्तों वैज्ञानिक ये मानते हैं कि टाइटन के समुद्र में एक विचित्र प्रकार का जीवन पनप रहा है जिसकी बनावट धरती से बिल्कुल अलग होगी। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर जीवन की संभावनाएं काफी ज्यादा हो सकती हैं। लेकिन क्या कभी शुक्र ग्रह पर भी जीवन मौजूद था और ये नष्ट कैसे हुआ था, जानने के लिए आप इसका ये वाला वीडियो देख सकते हैं। और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे ही रहस्यों के बारे में जानने के लिए कीमती स्पेस को सब्सक्राइब करें।